पाकिस्तान को छोड़कर भारत आई, आज 6000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। कम उम्र में ही घर वालों ने शादी करा दी, घर से आइसक्रीम बनाना शुरू कर दिया, बच्चों को संभाला और घर घर आइसक्रीम बेची। आज पद्मश्री से भी सम्मानित है रजनी। किसी को क्या पता था कि उसकी मुसीबतें कब तक हैं? संघर्ष जारी रहा तो कामयाबी कदमों पर आ गिरेगी। एक ऐसी महिला की कहानी हम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो गर्व से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे चुनौतियों को हराकर अमीर बना जाता है, अगर किसी को कुछ सीखने की जरूरत है तो इस महिला से सीखे। रास्ते में रोड़े बहुत थे लेकिन उसकी मंजिल तय थी कि हमें कब और कहां जाना है, और जब शुरुआत की तो सब रास्ते मिलते गए और आज करोड़ों की कंपनी खड़ी करने में महारत हासिल है। ऐसा काम कभी ना तो किसी ने किया होगा और ना ही कर सकेगा। अगर दिल में कुछ करने की चाह और मेहनत करने का जज्बा हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। शुरू में लोग इसका मजाक उड़ाते थे और आज दिल से सलाम ठोक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रजनी बेक्टर, जिन्होंने अपने मुकाम हासिल करने के लिए छोटे काम को बड़ा समझा और आज छोटे काम से वो इतनी अमीर हो गई हैं कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हैरानी की बात यह है कि जिंदगी में चुनौतियां बहुत थीं, यहां तक कि बंटवारे वाले देश पाकिस्तान से भी इनका अपना रिश्ता है, लेकिन सब कुछ अब बदल चुका है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कामयाबी की एक और उड़ान की खबर। रजनी बेक्टर का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन के दिन लाहौर में बिताए। लाहौर में उनके पिता नौकरी करते थे। साल 1947 में देश विभाजन के समय उनका परिवार दिल्ली आ गया। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही रजनी बेक्टर की शादी लुधियाना के रहने वाले धर्मवीर बेक्टर से हुई। शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की लेकिन दिमाग में एक ही मकसद था कि अमीर बनना है, नाम कमाना है। इसके लिए ही वो दिल्ली आई थी। परिवार उनका यही मानता है कि दिल्ली आने का फैसला उनका सही था। शादी के बाद रजनी के दिमाग में बिजनेस की बातें चलने लगी थी। बस इंतजार था उस पल का जब उन्होंने इसके लिए कदम बढ़ाया। शादी के बाद रजनी के 3 बेटे हुए। बेटे स्कूल जाने लगे तो रजनी का घर में अकेले समय काटना मुश्किल होने लगा। रजनी को कुकिंग का शौक था। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक बेकिंग कोर्स में दाखिला लिया और यहीं से रजनी के दिन बनने शुरू हो जाते हैं। दाखिले से ही रजनी ने बता दिया था कि वो अब रुकने वाली नहीं है। रजनी बेक्टर जब आइसक्रीम, केक और कुकीज बनाती और लोगों को ट्राई करने के लिए देती, उनके कुछ जानकारों ने उन्हें अपने शौक को बिजनेस में बदलने की सलाह दी। 1970 में रजनी ने अपने घर पर ही आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह उनके बिजनेस करियर की शुरुआत हो गई। अब रजनी घर से ही आइसक्रीम बेचने लगी थी। धीरे धीरे रजनी के कदम भी बढ़ते जा रहे थे लेकिन अब बारी थी कंपनी को खड़ा करने की, जिसमें रजनी ने मुख्य भूमिका निभाई। 1978 में 20,000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ उन्होंने बिस्किट, कुकीज और केक बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद तो रजनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरू में मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी का नाम क्रेमिका रखा गया। इसी ब्रांड नाम से ही बिस्किट और कुकीज बेचने शुरू किए। बाद में कंपनी का नाम बदलकर मिसेस बेक्टर एंड फूड स्पेशलिटीज किया गया। रजनी बेक्टर की कंपनी के बिस्किट, ब्रेड और आइसक्रीम 60 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रजनी बेक्टर की कंपनी फास्ट फूड चेन मैकडोनाल्ड्स और बर्गर किंग को भी ब्रेड सप्लाई करती है। साल 2020 में कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई। आज मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी का बाजार पूंजीकरण 6000 करोड़ से ज्यादा का है। साल 2021 में रजनी बेक्टर को पद्मश्री सम्मान दिया गया।